तो नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित शुक्ला आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम देखेंगे एमएसपी पे कानूनी मांग। हाँ, पहले समझना पड़ेगा हमें एमएसपी क्या होता है। एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और फिर अलग अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से एमएसपी तय करके अलग अलग राज्य के किसानों से खरीदती हैं और फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देती हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट घाटे का सौदा करके, क्योंकि केवल ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो घाटे का सौदा करके जो माल वो 19-20 रुपए किलो खरीदती है, वो अपने गरीब भाइयों को वो 3 रुपए किलो और 2 रुपए किलो गेहूं और चावल प्रदान करते हैं। तो मित्रों, इसके लिए हम सबसे पहले एक डेटा देखेंगे, और जो डेटा मैंने News24 से कलेक्ट किया है, ओम प्रकाश जी ने ये रिपोर्ट लिखी है, उसके हिसाब से CACP के हिसाब से 43.3 लाख करोड़ की खरीद हुई है 2020-21 में। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार का डेटा, जहां पे 2018-19 में 0.3% खरीद हुई है, 2019-20 में 0.5% खरीद हुई है, और 20-21 में आपकी 0.1% खरीद हुई है। और सालाना आय जो किसान की है वो 45,370 रुपये है बिहार में, जो देश में सबसे कम है। दूसरा उत्तर प्रदेश, 18-19 में 16.6%, 19-20 में 11.3%, 20-21 में 22.1%। तीसरा मध्य प्रदेश, जिसने इस साल सबसे रिकॉर्ड खरीद किया है रबी की सीजन की, और 70% खरीद किया है, जो पूरे देश में इस साल 20-21 में सबसे ज़्यादा है, वो है आपका 18-19 में 46%, 19-20 में 47.7%, 21-22 में 70%। आपका फिर हरियाणा आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीद की गई थी 18-19 में 81.6%, 19-20 में 74.1%, 20-21 में 60.3%। उसके बाद आपका आता है पंजाब, 18-19 में 71.2%, 19-20 में 70.7%, 20-21 में 69.8%। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। दूसरा एक लिंक मैंने और भी दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट हर साल 50 से 100 रुपये बढ़ाती है, तो आप उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का देख सकते हैं कि लोगों का तो 7वां वेतनमान, 6वां वेतनमान और अलग अलग वेतनमान लग जाते हैं, लेकिन बेचारे किसानों को कितना बढ़ता है, 1 क्विंटल पे 50 रुपये 75 रुपये। अब बात आती है, क्या एमएसपी पे कानूनी गारंटी होनी चाहिए। और सबसे पहले ये डेटा मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पंजाब के किसानों की इनकम है, सबसे कम बिहार के किसानों की इनकम है। इसीलिए मूलतः पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में है, क्योंकि उनको लगता है कि मंडी कोलैप्स हो जाएगी, मंडी कोलैप्स होने से एमएसपी बंद हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ सरकार ने क्लियर किया है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन अगर मंडी कोलैप्स हो जाएगी, और ये एक वाजिब पॉइंट है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, अगर मंडी कोलैप्स हो जाएंगी तो फिर एमएसपी ही नहीं रहेगी। एमएसपी क्या है? सरकार का रेट खरीदने का, और सरकार घाटे का सौदा करती है, व्यापारी और बिजनेसमैन कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। तो अगर मंडियाँ ही नहीं रहेंगी तो एमएसपी किस बात की? सरकार कह रही है मंडियों के लिए हमने बजट एलोकेट किया है, ऑब्वियसली उसने 1000 मंडियों के लिए बजट एलोकेट किया है, और एमएसपी की खरीद के लिए भी आपका 21-22 के बजट में एलोकेशन किया गया है 75,060 करोड़ रुपए आपका गेहूं खरीद के लिए, 10,500 करोड़ रुपए आपकी दाल की खरीद के लिए, और 1.45 लाख करोड़ रुपए आपकी धान की खरीद के लिए। अब देखिए, दो मत हैं, सरकार का कहना है एमएसपी रहेगी, मंडियाँ रहेंगी, वहीं विपक्ष का और दूसरे किसान भाइयों का कहना है कि नहीं, मंडियाँ कोलैप्स हो जाएंगी, और जब दूसरी मंडी आ जाएगी, जब मार्केट में दूसरे लोग आ जाएंगे, तो वो तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट देंगे, और उस जैसे आप बेचने गए, बेचा आपने और तुरंत के तुरंत पैसा मिल गया। सरकार के है नहीं, सरकार के आपके सरकार के लिए ऐसा है कि आपने जमा किया, फिर अपनी खसरा खतौनी वगैरह जमा किया और अपना बैंक अकाउंट जमा किया, तो DBT से आपके अकाउंट में सीधे आ जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं और कोट करना चाहता हूँ टिकैत साहब की। यहाँ पर एक बार टिकैत साहब को मैं इंटरव्यू देख रहा था सीधी बात में, आज तक में प्रभु चावला जी के साथ, उन्होंने कहा था कि आप राजस्थान बॉर्डर बैठ जाइए या हरियाणा बॉर्डर बैठ जाइए, हमेशा रोज़ 100-200 ट्रक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं, और वो अपना माल पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं। ऐसा क्यों होता है? रीज़न उसका ये है कि जो माल जो वहाँ पे एक वाजिब दाम में नहीं मिलता, वो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में मिलता है, क्योंकि एमएसपी पंजाब और हरियाणा की सबसे ज़्यादा। लेकिन क्या वो किसान बेचता है? एक ये सवाल है, क्या किसान अपना माल लेकर के पंजाब और हरियाणा में बेच सकता है? फिलहाल के कानून से, जो आज तक कानून है, इस कानून के पहले कानून, उसके हिसाब से केवल एक राज्य का किसान अपने ही राज्य में बेच सकता है। ये कौन बेचता है? ये जो बीच के बिचौलिए हैं, ये माल वहाँ से खरीदते हैं 1600 में और जा करके पंजाब में बेचते हैं 2400 में। तो खैर, ये तो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया।
तो उन बिचौलियों को कहीं ना कहीं कष्ट तो होगा ही, अगर एमएसपी पे, अगर एमएस मंडी कोलैप्स हो जाएंगी तो वो बेचेंगे कहाँ। अब आती है बात एमएसपी पे कानूनी गारंटी की। आप एज्यूम करिए एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं है। दो मार्केट हैं, एक है प्राइवेट मार्केट, एक है मंडी मार्केट। और धीरे धीरे करके जैसे बिहार में हुआ कि मंडी मार्केट में लोगों ने बेचना बंद कर दिया, इसी तरीके से पूरे देश में हो गया। तो वो रेट कौन तय करेगा? वो रेट तो पूरी तरह से बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अगर बिजनेसमैन ने उस साल इतना ज़्यादा माल स्टोर करके रखा है कि जैसे ही किसानों की फसल आई और फिर उन्होंने नहीं बेचा, फिर उन्होंने नहीं खरीदा बिजनेसमैन ने, तो आप सोचिए कि वो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है मार्केट में कि कितने रुपए का बिकेगा, कोई गारंटी नहीं है मार्केट में कि आपका कौन माल खरीदेगा। एक बिजनेसमैन है, अननोन बिजनेसमैन है जो आपका माल खरीदेगा, और वो कितने में खरीदेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं एमएसपी पे कानूनी गारंटी होनी चाहिए। हाँ, सरकार का यहाँ पे एक और पॉइंट है कि हर फसल एक सी नहीं होती, मीन्स एक सा गेहूँ पैदा नहीं होता हर खेत में, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। तो आप एमएसपी तय करो और अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से तय कर दो कि अगर इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है तो इसका ये होगा, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है तो इसका ये होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे और भी है, अगर क्वालिटी के हिसाब से एमएसपी नहीं तय होती, अगर एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं होती, तो फिर ब्लैक मार्केट भी एक ओपन हो जाएगी। जैसे किसी किसान का गेहूँ बहुत कमज़ोर हुआ तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो तो कहीं बेच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे नीचे अगर आप खरीदोगे तो वो क्रिमिनल केस हो जाएगा आपके ऊपर, और उतना वो जो व्यापारी है बीज का खरीदने वाला वो भी कहीं ना कहीं जा करके बेचेगा, तो उतने में वो माल नहीं बेच पाएगा। तो इसलिए ये सारी बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एज्यूम करना और ये देखना अगर आने वाले फ्यूचर में कि मंडियां बंद हो गई, एमएसपी की भी गारंटी नहीं है, तो आज के जो परिदृश्य है, आज के परिदृश्य के हिसाब से ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और क्यों ख़तरनाक चीज़ है? क्योंकि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथों में चल जाएगा। हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है आलू का। आलू जब खेत से निकलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी बड़ी अच्छी फसल मिल जाती है मार्केट में, लेकिन कभी कभी वही किसान आप जा करके देखिए उसी खेत में वो ट्रैक्टर चला देता है और उसी खेत में आलू सड़ जाता है। उसका रीज़न यही है कि आलू गवर्नमेंट नहीं खरीदती, कोई एमएसपी नहीं है आलू की। इसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि गेहूँ का हो, और भारत में कम से कम 61% किसान ऐसा है जो कम जोत वाला है, मीन्स जिसके पास एक एकड़ डेढ़ एकड़ ज़मीन है, उससे भी कम ज़मीन है, तो वो किसान तो बेचारा मर जाएगा जो किसान ऐसा कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एमएसपी पे एक कानूनी गारंटी बहुत ही ज़रूरी है, और एमएसपी पे एक कानूनी गारंटी होनी चाहिए। मित्रों, हाँ, ये मेरा मत है, आपका जो मत है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो हम एक ओपन डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ मित्रों, आज का मेरा यही संदेश था। नमस्कार, जय हिंद।